नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीना। प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। प्रयागराज में स्नान करने के लिए देशभक्त पैच प्रयागराज में स्नान करने पैच प्रयागराज में स्नान करने के लिए भक्त देश विदेश से भी आते हैं। इसी दिन को प्रयागराज में संगम तट पर स्नान करना अति शुभ माना जाता है। यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग जरूर आते हैं। यदि भक्त मेले में जाने का प्लान बना रहे हैं तो आइए विस्तार से जानते हैं कि किन किन तारीखों को स्नान करने के लिए शुभ माना गया है। मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी। यह मेला हर साल प्रयागराज में पूरे 2 महीने के लिए लगता है। इस दौरान 25 जनवरी से कल्पवास की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कल्पवास के दौरान साधु संत और गृहस्थ जीवन वाले लोग सभी धार्मिक कार्य की शुरुआत कर देते हैं। इसके बाद से ही सभी शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं। मान्यता है कि कल्पवास के दौरान जो भी धार्मिक कार्य करते हैं, उस दौरान उन्हें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने की शक्ति आ जाती है। मान्यता यह भी है कि प्रयागराज में स्नान करने वाले व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो 15 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी, पर स्नान करने के लिए शुभ दिन कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में जानें। माघ मेले का पहला स्नान 15 जनवरी को होगा। दूसरा स्नान पौष पूर्णिमा यानी कि 25 जनवरी को होगा। तीसरा स्नान अमावस्या यानी कि 9 फरवरी को होगा। चौथा स्नान वसंत पंचमी यानी कि 14 फरवरी को होगा। पांचवा स्नान माघ पूर्णिमा यानी 24 फरवरी को होगा। वहीं आखिरी यानी कि छठा स्नान महाशिवरात्रि यानी कि 5 यानी कि 8 मार्च को होगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।